हरे कृष्ण मित्रों, दोस्तों आज हम एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में हॉरोस्कोप प्रिडिक्शन करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान में आज धूम मचा रखी और धूम मचे भी क्यों ना। ये जो सेलिब्रिटी है ये विदेश से आकर हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े अमीर व्यक्ति, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म करने के लिए आया हुआ है। और अनंत अंबानी की इस शादी में यूं तो दुनिया भर से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हॉलीवुड, बॉलीवुड और खेल जगत के लोग आए हुए हैं। लेकिन यदि सबसे ज्यादा अपनी ओर कोई ना, मैं कहूंगा कि सबको आकर्षित कर रहा है और सब उनके बारे में जानना चाहते हैं, आज हम इस हॉरोस्कोप में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिहाना के बारे में। रिहाना एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि सिंगर है और उनकी जन्मकुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह, दशा, गोचर और राजयोग बने हैं कि उनके आने से, यदि अंबानी के बाद यदि कोई दूसरा सबसे चर्चित नाम है आज हिंदुस्तान में तो वो रिहाना का है। दोस्तों रिहाना का जो बर्थ डिटेल है वो 20th फरवरी 1988, प्लेस ऑफ बर्थ सेंट माइकल बारबाडोस में हुआ था। और इनकी यदि हम जन्म कुंडली की बात करें तो इनका वृषभ लग्न है, सेकंड हाउस उनका वैकेंट है, थर्ड हाउस उनका खाली है, फोर्थ हाउस भी उनका खाली है, फिफ्थ हाउस में केतु है, सिक्स्थ हाउस उनका वैकेंट है, सेवंथ हाउस उनका वैकेंट है, एट्थ हाउस में सैटर्न मार्स प्लेस है, नाइन्थ हाउस में मरकरी, टेंथ हाउस में सूर्य, इलेवंथ हाउस में राहु, चंद्रमा और शुक्र और 12वें घर में गुरु। यदि हम बात करें कि इस समय जो उनकी महादशा चल रही है, जिस उसमें चल रहे हैं, वो अपने आप में पॉपुलैरिटी, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत ही अनुकूल है। इस समय रिहाना का जो गोचर है वो भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और इसी वजह से जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी, मैं पॉपुलैरिटी की बात इसलिए कर रहा हूं कि अनंत अंबानी की शादी में यूं तो बॉलीवुड के लगभग सभी स्टार सुपरस्टार्स इनवाइटेड है, दुनिया भर से और भी हॉलीवुड स्टार्स भी आए हैं। लेकिन ऐसा क्या है उनकी जन्मकुंडली में, रिहाना की जन्मकुंडली में, कि बॉलीवुड, हॉलीवुड के सारे स्टार्स उनके ओरा में सब फीके नजर आते हैं। उसका कारण है रिहाना का जो शुक्र है, क्योंकि शुक्र लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की, इलेवंथ हाउस में चंद्रमा और राहु के साथ विराजमान है।
इस कुंडली में मरकरी 9th हाउस में है, इनकी आवाज, उनका म्यूजिक, उनका डांस के लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन और जो कॉम्बिनेशन होता है वो अल्टीमेट है। इसीलिए राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी में रिहाना पूरे शो को, मैंने कहा कि उसने चुरा लिया है पूरा शो, या मैं कहूं पूरी वेडिंग जो है वो आकर्षण का केंद्र राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के बाद यदि किसी का है तो वो रिहाना का है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये तो दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल गेट्स, जकरबर्ग, एयरटेल के मालिक, भारती मित्तल, अडानी ग्रुप के ओनर गौतम अडानी, और ना जाने दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं या हॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं बड़े बड़े, वो सब आए हैं। तो दोस्तों, जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त हो, तो बॉलीवुड, हॉलीवुड या मैं कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। और हमने जो सेलिब्रिटीज जो दुनिया भर के हैं, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली के बारे में हमने अपने YouTube चैनल्स पर उनकी जन्म कुंडली विश्लेषण किया है और अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, और ये पाया है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है उससे लोग सक्सेसफुल होते हैं। और यही कारण है कि यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या किसी भी रूप में, चाहे वो आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो भी मैं कहूंगा कि वो हैं, तो आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता। यदि नहीं बनता, चंद्रमा शुक्र बुध और राहु का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो आपको सफलता पाने में काफी कठिनाई होगी, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आप बुलंदियों को नहीं छू पाए। और ये हमने देखा है बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर कुछ स्टार्स बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत, मैं कहूंगा, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो कम मेहनत में भी ज्यादा नाम कमा लेते हैं। दोस्तों, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड आदि के बारे में और अधिक सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियोस दी गई है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। दोस्तों, हमने सेलिब्रिटीज के बारे में एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड है चाहे हॉलीवुड है। यदि आप किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं, और सेलिब्रिटी कोई भी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हो, स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, सोशल कोज से जुड़ा हो, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। निश्चित रूप से हम उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि ये जो सेलिब्रिटी है इतना सक्सेसफुल क्या है, क्यों है, उसके पीछे कौन से राजयोग
ग्रह दशा गोचर कार्य कर रही है। दोस्तों बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।